मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि प्रभु मुझे मेरे परिवार को काफी टाइम के बाद हम बीच में नहीं आ पा रहे थे, तो मैं बीमार था। एक तो मेरे आई साइड में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और बाद में मेरे ईयर में जो पैर में तो अभी थोड़ा दर्द है ही है साथ में, लेकिन मेरे ईयर में एक पिंपल सा निकला और 3 हफ्ते हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। मतलब एक पस निकालता और फिर जो है बहुत दर्द, तो सो नहीं पाता था। ऐसे टाइम में मेरे साथ एक ऐसे दुर्घटना हुआ जो कि मैं लाइफ में अनएक्सपेक्टेड नहीं कर सकता, और ये परिस्थिति के वजह से मैं ऑफिस से आता और रोता रहा, ऑफिस से आता रोते रहा। तो कई कई बार क्या होता है कि हम जो है परमेश्वर में विश्वास में जब कमज़ोर होते हैं, हमें ऐसे समस्या सामना करना पड़ता है। तो मेरे पूरा एंटायर जो फैमिली में जो है हम सब परेशान हो गए थे, और पिछले संडे को तो मैं बिल्कुल मतलब दर्द में बहुत परेशान हो गया था, आने का मन नहीं किया, और फैमिली में बच्चे भी थोड़ा ऐसे सर्दी जुकाम में परेशान होते थे। लेकिन प्रभु ने हमें ठीक किया है, ईयर पेन थोड़ा अभी दर्द कम हुआ है, अभी थोड़ा बस अभी है, और मैं डॉक्टर से देखा के दवाई लिया हूँ और प्रभु मुझे पूरा चंगा करेंगे और मेरा यकीन है। लेकिन जो मुझे परेशानी हुई थी उस दौरान जो है मैं बहुत टूट गया था, बहुत रोता रहा, बहुत दुख लगता है ऐसे परिस्थिति जब आती है। तो इस समय मेरे बच्चे ने परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे हिम्मत दी है। तो मेरे बेटी बोलती है, पापा आपकी जो भी परेशानी है, जो भी बातें हैं, क्योंकि मैं प्रार्थना करके जब रोता हूँ, मैं अपने हृदय की गहराई से रो के जब परमेश्वर के सामने जब बोलता हूँ, तो बच्चे उस बात को समझते हैं। और समझ के मेरी बेटी मुझे बोलती है कि पापा आपके मम्मी पापा आपके पास नहीं है, इसलिए आप परेशान होते हैं। जैसे मैं तो आपका बेटी हूँ, आप जब भी आपको कोई परेशान हो आप मुझे मेरे साथ शेयर करो और मुझे अच्छा लगेगा। आप मेरे साथ जब शेयर करोगे ना आपको भी अच्छा लगेगा। ये बात सुन के क्योंकि मैं अभी भी मिस करता हूँ, हर कोई अपने मम्मी पापा को मिस करता है, तो जब ऐसे कोई परेशानी आती है तो ऐसे टाइम में, और पिछले कुछ दिनों में मेरे बेटा भी थोड़ा बीमार रहा, तो स्कूल से उनको कहीं कंपटीशन में कुछ ले जाने के लिए उनको टीचर ने बोला कि इनका कफ हो रहा है, खांसी हो रहा है, उनको थोड़ा ठीक करो। तो उनके लिए मैं थोड़ा घर में कुछ ऐसे दवाई ला के दिया, तो मेरे वाइफ उनको देने में भूल गई थी, मैंने थोड़ा डांट दिया। डांटने के बाद मेरा बेटा बोलता है कि वो अपने आप इस आंखों में इतना आंसू टप 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 निकाल कर बोलता है कि मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरे से गलती हो गई, मैं बाहर का चीज खाता हूँ और इसलिए मैं बीमार पड़ता हूँ, और आपके पैसा मैंने खर्चा कर दिया, ऐसे बोल के वो रोने लगा। बहुत रोया, ठीक है, मतलब वो बच्चा है लेकिन इमोशनली होकर जितना रोया मेरा दिल टूट गया कि बच्चे आजकल कितना समझदारी कैसे कैसे बात करने लगे हैं। तो इस प्रकार से जब मैं दुखी होता हूँ तो परमेश्वर उनको यूज करता है कि आप जो है बच्चों के द्वारा अपने परिवार में हिम्मत रखें। और ऐसे टाइम में मैं कुछ लोगों से जब मैं शेयर किया तो उनकी ओर से भी एक एनकरेज मैसेज आया कि जो भी हुआ आप उसको भूल जाओ, कि अगर आपने कुछ खोया है उसमें जो है परमेश्वर आपको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, और उसको जो है आपको सूद मूल और सूद उसके साथ जो है वो आपको वापस करेगा, इसलिए जब वो दिन जाता है तो वो निकाल जाता है, उसका भूल जाओ। तो अगले संडे जो हम नए आए थे, तो मैं एक ऑनलाइन चर्च घर पे भी अटेंड करता हूँ, तो वहाँ पे पास्टर जी वहाँ पे प्रेचिंग कर रहे थे। चिंता एक ऐसे विषय है जो हम अपने ही मतलब लाइफ में जो है एक जीत हो जाते हैं कि उस चिंता को मेरे साथ दिमाग में बैठ रहे, मैं चिंता करूं, और चिंता करके बाइबल में लिखा है कोई भी व्यक्ति चिंता करके अपना सफेद बाल ना काला कर पाया, ना कोई काला को सफेद कर पाया है। वचन में लिखा है कि तुम अपने सारे चिंताओं प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रार्थना में प्रभु के पास रखो। तो जब प्रभु ने जब क्रूस पे जान दे के हमारे लिए उधार का मार्ग के लिए परित्राण जो उधार जो सर्वेशन हमें दिया है,
बिना हमारे कुछ लेते हुए, हमसे कुछ लेते हुए, लेकिन प्रभु खुद कहते हैं कि तुम अपने सारे चिंताओं का बोझ मुझ पर, लेकिन ये असंभव है। चिंता जब आता है हम मतलब कुछ भी कर लो, अपने दिमाग से चिंता निकालना बहुत मुश्किल होता है। घर में कोई परिस्थिति ऐसा आता है तो हम बहुत दुख होते हैं। मेरे रोने का और टूट जाने का मतलब यह है कि मैं चिंता के साथ जी रहा हूँ। तो परमेश्वर जब इस प्रकार से वचन से हम पढ़ते हैं तो हिम्मत तो आती है, लेकिन हमें वचन में पास्टर जी कह रहे थे कि वो ही जीत आप शैतान की, और जो शैतान हमें पुश करता है कि तुम चिंता करो। चिंता करके हम स्ट्रेस में जाते हैं, अपना शरीर नुकसान होती है, हम बहुत दबाव में आते हैं, बहुत गलत रास्ते में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है, जब वो एक चिड़िया को, उड़ते हुए चिड़िया को कहाँ पे खाना उसके लिए, कहाँ पे पानी उसके लिए वो इंतजाम करता है। आज तक मैं जो इस मम्मी पापा को याद करता हूँ, मेरे इस जरूरत टाइम में मेरे मम्मी पापा होते, मुझे हिम्मत देते, मुझे समझते। लेकिन मैं जब मम्मी पापा को याद कर इतना इमोशनल होता हूँ, इतना इमोशनल मेरा परमेश्वर के साथ अटैचमेंट होना जरूरी है, क्योंकि आज तक मैंने जो पाया हूँ इस साल में, अगर विशेषतर पर मैं अगर प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस साल जो है मैं अब परमेश्वर के वचन से ही हिम्मत करके कुछ चीजों में ऐसे अपने आप को लॉक किया हूँ, और मैं बहुत मतलब बीच में थोड़ा बहुत इरेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया था। तो आप टाइम से वचन को, बाइबल को पढ़ने का एक टाइम फिक्स करना, ठीक है। और दूसरी बात है, अपने लाइफ में कुछ बदलाव के लिए कुछ किताब पढ़ना है और कुछ अपने आप को अपग्रेड करना है परमेश्वर के वचन की ओर से, अपने आप को जो ढालने का कैसे ढालना है। तो ऐसे चीजों से, ऐसे परिस्थिति से होते होते परसों मेरे बेटी बोल रही थी, पापा हम काफी दिन से जो है हम फैमिली प्रेयर नहीं कर रहे हैं। मेरी बेटी ने खुद बोला, ठीक है, क्योंकि मैं आता था 9:30-8:30 ऐसे 9 हो जाता हूँ, तो बोली कि तो कोई बात नहीं बेटा, मैं अगर लेट भी आऊँ सोने से पहले हम जरूर प्रेयर करेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग कुछ इनिशिएटिव लेके, अभी उनको इतना कोई पता नहीं है, इनिशिएटिव लेके कुछ प्रेयर पॉइंट खुद ही वो लोग करते हैं, जो मुझे बहुत टच करता है, मुझे बहुत हार्ट में टच करता है। तो मैं यकीन करता हूँ कि परमेश्वर के और विश्वास करने के राह में जब चलते हैं बहुत सारी परीक्षाएं बाधाएं आती हैं, लेकिन प्रभु हम सभी को आगे बढ़ाएगा। थैंक यू।